कुरुक्षेत्र संसार का बड़ा पावन तीर्थ माना जाता है दुनिया के एक बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट जिसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज की थी कनिंगम उन्होंने कनिंगम ने इस बात को स्वीकार किया है कि दुनिया में तीन शहर ऐसे हैं जिनकी एंटिक्विटी यानी वो कितने प्राचीन हैं उसको आंकना बड़ा मुश्किल है पता नहीं लगता कि कितने प्राचीन हैं एक काशी एक कुरुक्षेत्र और एक यरूशलम इसलिए उन्होंने कहा कि इनकी प्राचीनता को हम मान लेते हैं कि भई इतना तो मान लो इससे पहले का हमें पता नहीं क्या है तो उन्होंने जो हिसाब लगाया उसके हिसाब से भी देखा कि कुरुक्षेत्र बहुत पुराना है हालांकि हम तो उससे भी प्राचीन मानते हैं लेकिन ये अंग्रेज़ी लोग जो हैं ये कुल सात हज़ार साल तक जाते हैं ऋग्वैदिक पीरियड के पीरियड ले जाते हैं अब जो लोग मानते थे कि सबसे पुरानी सभ्यता हड़प्पा और मोहनजोदड़ू की है लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही राखी गढ़ी में जो आर्कियोलॉजिस्ट ने दुनिया के खुदाई की है तो उसमें उससे पता लगा है कि कुरुक्षेत्र के, के सरस्वती के किनारे की जो सभ्यता थी वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ू से भी डेढ़ हज़ार दो साल पुराने हैं। यानी लोग मोहनजोदड़ू को अगर पाँच हज़ार साल पुराना मानते हैं तो राखी गढ़ी को सात हज़ार साल पुराना मानना पड़ेगा इससे पुरानी भी और चीज़ें मिल सकती हैं कुरुक्षेत्र के अंदर तो सारे दुनिया के अंदर कुरुक्षेत्र की पहचान इसी से है कि ये सबसे पुराना सारी दुनिया की सभ्यता का केंद्र है यहाँ से ज्ञान का प्रसार हुआ अब दुनिया ने इस बात को स्वीकार भी किया है यूएनओ ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ अगर कोई है और उसको वहाँ उन्होंने अपने हेड क्वार्टर में प्रिजर्व किया है हेरिटेज में वो ऋग्वेद है इससे पुरानी कोई किताब दुनिया में नहीं मिलती सारी दुनिया के साहित्य में ये ऋग्वेद की रचना कुरुक्षेत्र में हुई है कुरुक्षेत्र में सरस्वती के किनारे जितने ऋषि थे यहाँ एक कुरुक्षेत्र में इकट्ठे थे ऋषियों की भूमि थी और यहाँ ऋषियों ने ऋग्वेद की नहीं सारे वेदों की ऋचाएँ यहाँ बैठ के संकलित किए इनमें बहुत सारे ऋषियों के नाम हैं लेकिन दो ऋषि ऐसे हैं जो विश्व विख्यात हैं एक विश्वामित्र और एक वशिष्ठ जी इन्होंने बहुत सारे और बहुत सारे ऋषि हैं वैदिक ऋषि जिन्होंने अलग अलग ऋचाएँ क्योंकि एक ऋषि एक ऋषि का लिखा हुआ नहीं है बहुत सारे ऋषियों ने वैदिक ऋषाएँ लिखी लेकिन ये दो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं अब ऐसा माना जाता है अथर्ववेद में से इस बात का पता लगता है अथर्वान से कि ऋग्वेद के से पहले यहाँ कुरुक्षेत्र में कुरु जंगल था इसका जो वर्णन आया है वो कुरु जंगल, फॉरेस्ट थे जंगली जंगल थे सिविलाइजेशन दुनिया में कहीं भी नहीं थी इस बात को दुनिया के बहुत सारे लोगों ने स्वीकार भी किया है और ख़ास तौर से एक बहुत बड़ा आदमी दुनिया का जो है उसने मार्क्स जिसका नाम है कार्ल मार्क्स उसने अब बहुत ख़ास तौर से सभ्यताओं के इतिहास में हिस्टोरिकल मटीरियल में लिखा इस बात को कि दुनिया में सारे नोमेड घूमने वाले लोग शिकारी लोग जो शिकार मार कर के खाते थे वही नोमेड थे कोई सिविलाइजेशन क्रिएट नहीं हुई थी सबसे पहली सिविलाइजेशन एग्रीकल्चर जब एग्रीकल्चर सोसाइटी बनी तब लोगों ने फैमिली बना के रहनी शुरू करी तभी मॉरल कोड बनी तो ये सिविलाइजेशन कहाँ से हुई एग्रीकल्चर ये कुरु जंगल में राजा कुरु जो थे वो पश्चिम की तरफ से जहाँ अफ़गानिस्तान का जो आर्यन आर्यों का मूढ़ स्थान माना जाता है वेस्ट पंजाब और ईस्टर्न ईरान और अफ़ग़ानिस्तान के ये आर्यों का मूल स्थान है राजा कुरु जब यहाँ कुरुक्षेत्र में आए तो उन्होंने देखा ये भूमि तो बड़ी जरखेज़ है बड़ी उपजाऊ भूमि है तो उन्होंने कहा कि यहाँ मैं कृषि करूँगा सबसे पहले उन्होंने 48 कोस की भूमि को प्लो किया दुनिया में सबसे पहले हल चलाने का काम कुरुक्षेत्र में हुआ तो अगर हम मार्क्स की बात को मान लें सिविलाइजेशन स्टार्टेड वैन एग्रीकल्चर स्टार्टेड तो इसका मतलब होगा कि यहाँ सबसे पहले सभ्यता सब के बीज यहाँ बोए गए और यहीं से दुनिया को सभ्यता यानी फैमिली लाइफ बना करके मॉरल कोड बना करके इसी से हमारे वेदों का पता लगता है कि सबसे पहली मॉरल कोड यहाँ बनी वेद के अंदर और वो मॉरल कोड फिर हमने दुनिया को दी ऋग्वेद के बाद दूसरे तीन वेद और आए लेकिन वो ज़्यादातर ऋग्वेद की कॉपी है जैसे यजुर्वेद है तो ऋग्वेद के मंत्रों में जो देवताओं की स्तुति की गई है उस उन देवताओं के लिए कैसे यज्ञ बनाने चाहिए कौन सी सामग्री आनी चाहिए तो यजु में इस बात का वर्णन यज्ञों का वर्णन आया सामवेद में यह हुआ कि मंत्रों को कैसे गाया जाए क्योंकि मंत्र की शक्ति में इन्होंने कहा ऋषियों ने कि मंत्र की शक्ति है बहुत ज़्यादा अगर मंत्र का ठीक उच्चारण किया जाए और उसको जहाँ उदात स्वर हैं जहाँ नीचे स्वर लगाने वो लगाए जाए तो मंत्रों का जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है तो सामवेद में ये देखा गया कि किस मंत्र को कैसे बोलना है और अथर्वेद में आकर के जो और दि से मॉरल बेसिस थे यानी जिनको हम मिसलेनियस चीज़ें कह सकते हैं वो अथर्वेद में आकर संग्रहित हुए तो चारों वेदों में जीवन का जितना भी ज्ञान हो सकता है हर तरह का वो सारा संकलित करके यहाँ से रख दिया और यहीं से सारे सारी दुनिया को ज्ञान दिया गया कुरुक्षेत्र के बारे में हमारे पुराण ये कहते हैं कुरुक्षेत्र महापुण्यम राहु ग्रस्त दिवाकरे कुरुक्षेत्र का जो तालाब है जिसको हम आजकल ब्रह्म सरोवर कहते हैं ऋग्वेद में इसका नाम शरणियावत तीर्थ रहा है बहुत बड़ी लेक कुरुक्षेत्र के ऋग्वेद के जमाने में थी इसका मतलब ये ऋग्वेद से भी पहले का है ये तालाब है क्योंकि ऋग्वेद में इसका वर्णन बड़ी पवित्रता के साथ किया गया है और कुरुक्षेत्र का जो सारा महत्व है वो इस तालाब की वजह से ही है कुरुक्षेत्र के इस तालाब में राहु ग्रस्त दिवा करें जब राहु ने सूर्य को ग्रस्त कर रखा हो तब महापुण्य कुरुक्षेत्र में ही आकर के स्नान करने का है तो पता नहीं कितने काल से कितने पुराने काल से लोग कुरुक्षेत्र आते रहे और इस तालाब में से। यानी जिन कृष्ण के नाम से हम गीता को जोड़ रहे हैं कि कृष्ण ने यह गीता सुनाई वो कृष्ण भी अपने सारे परिवार को कुरुक्षेत्र में स्नान कराने के लिए ब्रह्म सरोवर में लाए थे जहाँ कुरुक्षेत्र का गीता का स्थान है वहाँ ले किसी को नहीं ले गए अपने परिवार कोई वर्णन नहीं मिलता कि ज्योति सर कृष्ण जी गए कृष्ण जी ब्रह्म सरोवर पाए तो कुरुक्षेत्र की महिमा कुरुक्षेत्र का गौरव कुरुक्षेत्र की पावनता ये ब्रह्म सरोवर के कारण से है और ये ब्रह्म सरोवर ऋग्वेद में इसका वर्णन इस तरह आया कि ये पृथ्वी का आदि तीर्थ है ऋग्वेद से भी पहले ये ये रहा है तालाब इसी तरह से सन्नता सन्निहित तीर्थ है ये भी संसार का आदि तीर्थ है इसका वर्णन भी ऋग्वेद में यह है कि ऋग्वेद के पहले ही तीर्थ मौजूद होता था यहाँ पर इस सन्देह सरोवर से सारी सभ्यता इसलिए शुरू हुई हिंदुस्तान की कि ये एक लीजेंड है वैसे तो नहीं पौराणिक कथा है कि राजा पुरु जो थे उनका जन्म यहाँ कुरुक्षेत्र में हुआ उनके जो उनकी जो माँ थी उर्वशी वो अपने हस्बैंड को खोजती हुई वो यहाँ कुरुक्षेत्र में आई और उनके हसबैंड जो थे यहाँ कुरुक्षेत्र में उनकी तलाश में भटक रहे थे और ऐसे हो गए थे वो दीवाने के पागल घूम रहे थे बिल्कुल नंगे घूम रहे थे उर्वशी को बड़ी दया आई उनके ऊपर कि मेरा पति मेरे लिए थे तो यहाँ कमल का बहुत बड़ा बाग था आज भी इतने हज़ार साल के बाद भी वो तीर्थ में जब तीर्थ का जीर्णोद्धार कराया तो वो जो उतना हिस्सा छोड़ दिया गया जहाँ कमल के बाग थे न पूरा तालाब कवल से भरा रहता था ये तो यहाँ कवल के पत्तों से उनको ढक कर के और यहाँ उनके साथ रहे और यहाँ से उनके यदु और पुरु दो पुत्र पैदा हुए उन यदु और पुरु से ही सारी ये कौरवों की और पांडवों की संतान चली यादव वंश चंद्रवंश यहीं से शुरू हुआ कुरुक्षेत्र से तो इसकी प्राचीनता हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना प्राचीन रहा होगा ये कुरुक्षेत्र का तीर्थ जिसकी पावनता को सारी दुनिया मानती रही है और हमेशा आज तक यही रहा है कि जब भी सूर्य ग्रहण होता है इस सूर्य ग्रहण को पौराणिक कथा को कि ने सूर्य को ग्रस्त किया इस पर मैंने एक लेख लिख करके और यहाँ एक किताब जो सूर्य ग्रहण की यहाँ एक बहुत बड़े लेखक थे उनकी किताब के अंदर इस एक, एक पूरा चैप्टर डाल दिया कि ये जो कथा है उसके सूर्य कोई राहु नाम का राक्षस है वो आता है आ, और आकाश में आकर सूर्य को डस लेता है और उसके बाद लोग जो है वो प्रार्थना करते हैं कुरुक्षेत्र में आकर के इस भूमि में और राहु जो है उसको छोड़ के भाग जाता है ये सिम्बॉलिक है इसका सिम्बोलिक रूप उसका दार्शनिक रूप फिर मैंने वो एक लेख पूरा लिखा कि ये दार्शनिक रूप यह है कि कुरुक्षेत्र ज्ञान की भूमि रही सारे वेदों की रचना यहाँ हुई मनु ने यहाँ अपना दुनिया को ज्ञान देने वाला मनु स्मृति जो है वो यहाँ लिखी और मनुस्मृति के अंदर उन्होंने लिखा स्वयं स्वयं चरित्र संसार के अंदर जो जो आदमी अपने अपने चरित्र के जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस कैसे करना चाहिए जो क्षत्रिय है उसे कैसे युद्ध करना चाहिए जो खेती करने वाला है उसे खेती करना चाहिए तो स्वयं स्वयं चरित्र अपने, अपने अपने चरित्र के हिसाब से जिस आदमी को भी सीखना हो वो कुरुक्षेत्र के जो अग्रजना हैं यहाँ के जो विद्वान लोग हैं जो ब्राह्मण लोग हैं यहाँ के उनके पास आए और आकर के वो दुनिया में ज्ञान सीखे और अपने अपने देश में जाकर उसका प्रचार करें और इस मनु की बात को हुआ भी यही कि दुनिया के लोग कोई यूनान से कोई मिस्र से कोई कहीं सारे यहाँ आते रहे कुरुक्षेत्र में तो यहाँ ये उन्होंने उद्घोष किया घोषणा करके ढोल बजा कर कहा उन्होंने कि जिस आदमी को जैसा जैसा जिसका चरित्र है उसके हिसाब से जो भी सीखना है वो यहाँ आकर के सीखे हम उसको हर एक ज्ञान सिखाएंगे जो भी सीखना चाहेगा वो तो ये कुरुक्षेत्र वो भूमि रही है जहाँ मनु ने दुनिया को मानव शास्त्र दिया धर्म का ज्ञान दिया यहाँ पर तो कुरुक्षेत्र की इस भूमि के वह सारा वर्णन जो है वो मनु के ज़माने से चला अब राजा कुरु को हम मान लें तो ये कहेंगे कि सिविलाइजेशन यहीं से शुरू की एग्रीकल्चर यहीं से शुरू की उन्होंने तो ये प्राचीन काल का सारा जो कुरुक्षेत्र का है तो मैंने इसमें लिखा कि ये सिंबॉलिक है इसलिए है कि राजा सारे जितने थे यहाँ के वो ज्ञानियों को बुलाते थे जब कभी भी अज्ञान या पाखंड फैल जाता था ज्ञान के नाम से पाखंड फैला रहे हैं लोग ज्ञान की बजाय लोगों को इधर उधर की बातों में फंसा रहे हैं और उसकी वजह से ज्ञान का नाश हो जाता था या अज्ञानी लोग ज़्यादा छा जाते थे तो यहाँ के लोग जो थे फिर ज्ञानियों को इकट्ठा करते थे विद्वानों को इकट्ठा करते थे और यहाँ विद्वान लोग बैठ कर के फिर नए सिरे से उस ज्ञान की नई नई व्याख्या करते थे उस पाखंड को कैसे दूर करना है और राहु उसको मानते थे इस अंधकार को अज्ञान का अंधकार जब फैलता था यही राहु है कोई राहु नाम का राक्षस नहीं है तो ये जब अंधकार छा जाता था तो यहाँ कुरुक्षेत्र में गोष्ठियाँ होती थी विद्वानों की और वो गोष्ठियाँ उस अंधकार को दूर कर देती थी दुनिया में फिर से प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता था सभ्यता का सारी दुनिया के अंदर तो इसको इस तरह मानना चाहिए कि यहाँ से हमेशा जब भी दुनिया के अंदर पाखंड फैला अज्ञान फैला या दूसरे लोगों ने उस ज्ञान को ख़त्म करने की कोशिश की डसने की कोशिश की तो यहाँ गोष्ठियाँ हुई विद्वान बैठे और वो अज्ञान का राहू जो था उसको भगा दिया तो इसलिए इसको कहा गया कि महापुण्य कुरुक्षेत्र में आने का ही है यहाँ आओ तो यहाँ ज्ञान ही ज्ञान मिलेगा कुरुक्षेत्र में ये गोष्ठियाँ उत्तर वैदिक काल तक ऐसे कैसे चलती रहीं यहाँ ऋषियों का जमावड़ा होता रहा और सरस्वती के किनारे बैठ करके सारी के सारी ऋषि ये तरह तरह की बातें करते रहे सारे यहीं से सबसे पहले गृत समझ ऋषि थे उन्होंने सबसे पहले दुनिया को एक चीज़ बताई आप देखेंगे रोमन अंक जो होते हैं उन रोमन अंक में लोगों को जोड़ना चाहें या कुछ घटाना चाहें तो बड़ी मुश्किल पड़ती है उस क्यों पड़ती है क्योंकि हमने सिम्बल जो बनाई एक दो तीन उसमें नौ तक बना दी आगे नौ से क्या करें कहाँ को जोड़ें हमने इक्कीस लिखना है तो टैन 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 करके इक्कीस लिखेंगे एक बड़ी दिक्कत पड़ जाएगी तो ग्रीस्मत जो थे कुरुक्षेत्र में उन्होंने ज़ीरो की वैल्यू निकाली और उनका ज़ीरो भी एक अंक है इसको आप लाएंगे तो पूर्ण अंक बनेगा तब जाकर और जीरो के बनते ही दुनिया के अंदर मैथमेटिक्स फैल गया अब आप जोड़ लो घटा लो हजार हजार संख्या हो उनको भी जोड़ सकते हैं जीरो के आते तो जीरो का सबसे पहले बोध या कुरुक्षेत्र में ग्रस्मत ऋषि ने हुआ जो वैदिक ऋषि है तो इस तरह से ऋषि लोग इकट्ठे होते रहे और दुनिया को हर क्षेत्र का ज्ञान देते रहे ये वैदिक काल का, का काम रहा वैदिक काल में और मनु का जो धर्मशास्त्र है उसने तो दुनिया को सबसे पहले कैसे रहना चाहिए घर में सारे जो विष्णु उसके मनुस्मृति के खंड हैं कोई जीवन का ऐसी वैल्यू नहीं जो उसमें ना आ गई हो कोई पक्ष जीवन का ऐसा नहीं जो मनुस्मृति में ना हो तो जब यहाँ कुरुक्षेत्र में ज्ञान की महिमा शुरू हुई और वैदिक काल के अंदर सारी ऋचाएँ बनानी शुरू की तो जैसे बहुत सारे ऋषि थे नारियाँ भी थी बहुत सारी ऋषि नारी वेद काल में नारियों के साथ कोई पक्षपात नहीं था बड़े ऊंचे ज्ञान वाली नारियाँ थीं और वो जो नारियाँ थी उन्होंने भी वैदिक में बहुत सारी ऋचाएँ लीं विश्वामित्र जी की पत्नी इनकी वशिष्ठ जी की पत्नी जो थी बहुत बड़ी ज्ञानी थी विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी का आपस में एक दूसरे के साथ वैमनस्य हो गया दोनों ये चाहते थे कि जो कुरु लोग हैं वंश है यानी जो आर्य भारतवंशी दुनिया के दुनिया, जिनके नाम पर भारत बना वो भरतवंशी आर्य जो हैं वो हमें अपना पुरोहित बनाए विश्वामित्र जी चाहते थे कि उनका पुरोहित मैं बनूं। विश्वामित्री चाह और विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी चाहते थे कि मुझे बनाया जाए तो दोनों उस चक्कर में क्या करते थे कि बड़ा ज्ञान कौन ज़्यादा ज्ञान दे सकता है और उस ज्ञान की महिमा कौन ज़्यादा ला सकता है दुनिया को कौन कन्विंस कर सकता है उन आर्यों को कौन ये यज्ञ करने में ज़्यादा अच्छा बता सकता है तो इस कंपटीशन का फ़ायदा भी हुआ हालांकि इसका नुकसान तो ये हुआ कि वो दोनों एक दूसरे से लड़ते रहे आपस में उसने उसके बच्चों को मार दिया उसने उसकी सेना मार दी लेकिन फायदा ये हुआ कि जो वहाँ के कुरुवंशी थे उनको ज्ञान देने में कि हम तुम्हारा यज्ञ अच्छी तरह करा सकते हैं वो कहते थे हम करा सकते हैं तो उससे इतना ज्ञान दे दिया कि पूरा एक यजुर्वेदी खड़ा कर दिया सारा का सारा तो दुनिया के अंदर यज्ञ की परंपरा देने वाले संसार के अंदर यज्ञ के अंदर जो आहुति दी जाती है इसको विस्तार से वर्णन करने के लिए बहुत समय चाहिए लेकिन उसके अंदर एक बात कही गई इधन नमम जितने भी आहुति जाती है उसमें कहा जाता है कि मेरे लिए नहीं है अब आज एक आहुति की जो विश्वास जो जिसका राधा कृष्णन जी ने अपने यहाँ वर्णन किया बहुत इंपॉर्टेंट है अब ये क्या कहते हैं इन्होंने कहा पहली आहुति जो दी इन्होंने विश्वामित्र जी ने वो आहुति थी इरम इदम इधम इंद्राए स्वाहा इदम इंद्राय इधम नमम इंद्र जो है वो देवताओं का राजा है पुराने जमाने में हम देवताओं को देवता की तरह मानते थे कि कहीं स्वर्ग में रहते होंगे कुछ होते होंगे लेकिन मॉडर्न लोग जो है इनको सिंबल मानते हैं तो राधा कृष्णन जी ने कहा कि इंद्र जो है वो स्टेट का राज्य हमारा जो है और राज्य का सिंबल है इंद्र अब अगर इंद्र जो है ये राज्य को चलाना चाहता है हमारे राज्य को अच्छी तरह चले तो उसके लिए क्या चाहिए धन चाहिए अर्थ चाहिए तो प्रजा के ऊपर टैक्स लगाने के लिए कोई कानून बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी बल्कि वो क्या करते थे कि विश्वामित्र जी का पहला मंत्र जो सबसे पहला मंत्र यही है ओम स्वाहा, जितनी दुनिया में हम कमाई करेंगे उसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि ये दिस इज फॉर स्टेट ये स्टेट का हिस्सा है उसको निकालेंगे कहा इदन मम ये मेरे लिए नहीं है ये राज्य के लिए है अपने आप जब हम राज्य के कोष में धन दे देंगे तो कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं राज्य के कभी खजाने खाली नहीं होंगे तो इन सिंबल्स को नए सिरे से, से इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है ये वैदिक सिंबल इतनी पोटेंट हैं इतनी पावरफुल हैं कि अगर एक एक सिंबल को जैसे राधा कृष्णन ने इसको किया कि हम स्टेट को अगर अपनी तरफ से दे दें इधर नमम मैं अपने लिए नहीं कमा रहा ये हिस्सा इतना राज्य का है राज्य के कोष में जाना ही चाहिए तो फिर ये कोई टैक्स बचा रहा है कोई टैक्स चोरी कर रहा ये रहेगा ही नहीं तो यज्ञ के ऐसे ऐसे मंत्र उन्होंने बना दिए जो संसार को संारे संसार को प्रोस्पेरिटी देने वाले भी हैं ऊंचा उठाने वाले भी हैं अब विश्वामित्र के ऐसे ऐसे मंत्र वशिष्ठ के ऐसे ऐसे मंत्र ये दुनिया के अंदर इनसे ऊंचा ज्ञान कहीं दिखाई नहीं देता ये सारी यहाँ की देन है तो कुरुक्षेत्र संसार का उस समय तक जब तक ये सारा काम रहा है सारा ज्ञान का केंद्र यही रहा है दुनिया के ज्ञानी यहीं इकट्ठे रहे होते रहे हैं और सारी दुनिया को यहीं से जब भी पाखंड फैला अज्ञान फैला के लोग लोगों ने कोशिश की या ऐसे लोग आए जो असभ्य देशों से आकर के यहाँ क्योंकि जो लूटमार करने वाले लोग थे वो जब हिंद देखते थे कि हिंदुस्तान के लोग बड़े संपन्न हैं तो कहीं कभी ईरान से लूट करने आ जाते थे कभी अफगानिस्तान से आ जाते थे इसलिए हमारे यहाँ प्रार्थना की गई हमारे यहाँ कहा गया कि सबसे पहले हम गणपति की प्रार्थना करते हैं हमारा जो गण है उसका रक्षा करने वाला हमारा गणपति है और उसकी प्रार्थना करने में ताकि बाहर के लोग तो कुछ करते नहीं वहाँ ना कोई खेती है ना वहाँ कोई संपन्नता है ना उनके पास कोई ज्ञान है इंडस्ट्री का वो सिर्फ लूट मार करके खा जाते हैं तो हम कमाएं और वो लूट मार करके खाएं तो उन्होंने कहा कि हमारी भूमि ऐसी हो कि यहाँ पर सारे के सारे लोग जो हैं वो अन्न अवता यहाँ अन्न खूब पैदा हो ओदन अवता हाँ यहाँ ओदन चावल बहुत पैदा हो हमारे माँ ईख ईख बहुत है ईख तो दुनिया जानती नहीं थी यूनान के लोगों ने सबसे पहले यहाँ आकर के देखा उन्होंने कहा कि इंडिया बड़ा विचित्र कंट्री है यहाँ लोग शुगर भी जमीन में से पैदा करते हैं तो गन्ने का किसी को पता नहीं था यहाँ ईख बड़ी पैदा होती थी और वहाँ जो डेट शुगर थी बड़ी महंगी होती थी खजूर से और बहुत कम बन पाती थी तो यहाँ के लोगों से आकर के दुनिया तो फिर हमारे यहाँ कहा गया कि जो लुटेरे लोग हैं ये अपने यहाँ तो कुछ पैदा नहीं कर सकते हमें लूटेंगे इसलिए देवताओं की हमारी स्तुति जो की गई उसमें ये कहा गया कि हमारा जो गणपति हो कैसा हो दंता आघात विदारी तारी रुद्रे हमारा गणपति ऐसा हो कि एक ही दांत की चोट करके दुश्मन को बीच में से चीर दे और फिर उसका जो रक्त है उसके खून से सुशोभित होकर के और राजगद्दी पर बैठे जब हमारा राजा इतना बलवान होगा तो कोई लूटने के लिए हमें नहीं आएगा तो वेदों में ऐसी प्रार्थना की गई कि हमें बहुत बड़ा शक्तिशाली भारत दुनिया के अंदर हो अगर कोई लुटेरा आए भी तो हमारा गणपति इतना विश्व हो कि उसको चीर करके और उसके रक्त से अपने आप को सुशोभित करे तो ऋग्वेद में आर्यों ने अपने आप को बहुत शक्तिशाली दुनिया में बनाया ताकि दुनिया में सारा हमारा और सबसे ज़्यादा बनाया अब जो लोगों ने कहा बहुत सारी लिखी है उन्होंने ये भी कहा है कि सबसे ज़्यादा भूमि अगर कहीं दुनिया के अंदर है तो वो गंगा और सिंध का मैदान है सबसे ज़्यादा अन्न भी यहीं पैदा होता है ओदन भी यहीं पैदा होता है तो दुनिया को हमने सारी चीज़ें फसलें बोनी भी यहीं से सिखाई ऋग्वेद पीरियड से सारा तो ये हमारा वैदिक पीरियड का इतिहास है अब कुरुक्षेत्र का इतिहास तो बहुत लंबा है लेकिन हम एकदम कूद करके अब पौराणिक काल पे आ जाते हैं पौराणिक पौराणिक काल का जो है वो सबसे महत्वपूर्ण घटना महाभारत की है महाभारत में झगड़ा तो सारा था हस्तनापुर की गद्दी का जो गंगा के किनारे मेरठ के किनारे है उसका झगड़ा चल रहा था वहाँ कौरव लोग जो थे वो एक इंच भूमि भी देने के लिए तैयार नहीं थे वो कहते थे हम आपको एक इंच भूमि भी नहीं देंगे पांडवों को और पांडव जो कहते थे कि हमारा हिस्सा हम तो कुछ पांच गांव मांग रहे हैं उसके बाद बड़ा उन्होंने राज्यसभा के अंदर बुला करके द्रौपदी का बड़ा अपमान किया उसको नग्न करके कोशिश की और उसके बाद ये हुआ कि अब इस ज़मीन को लेने के लिए अपना हिस्सा लेने के लिए हमें एक ही तरीका है कि हम उनसे लड़ करके अपना हिस्सा लें इसलिए उन्होंने सोचा उनको उन्हों कहा भी कि देखिए आप हम दादे कुछ नहीं मांगते हम सिर्फ ये मांगते हैं कि जितना हमारे रहने के लिए हमारे भरण पोषण के लिए जीवित रहने के लिए चाहिए हमें केवल पांच गांव दे दो बाकी सारा साम्राज्य तुम संभाल लो लेकिन दुर्योधन बड़ा अहंकारी थे उसने एक ने कहा कि मैं एक इंच भी एक सुई का नौका भी नहीं दूंगा तो फिर कोई मजबूरी हो गई कि क्या करें अब एक ही तरीका था कि युद्ध युद्ध कहाँ हो तो इस बारे के में जब विचार हुआ तो उन्होंने कहा कि एक भूमि ऐसी है जिसका नाम है कुरुक्षेत्र राजा कुरु ने इस भूमि को सींचा राजा कुरु जो थे दुनिया के अंदर एक राजा ऐसे रह गए थे जो धर्मात्मा राजा थे बाकी सारी दुनिया में अधर्म फैल गया था तो ऋषियों ने कहा कि अगर सारी दुनिया में अधम फैल अधम फैल गया तो दुनिया बचेगी कैसे तो वहाँ एक बहुत बड़े ऋषि थे उनका नाम था नारद नारद ऋषि ने कहा कि एक राजा है बड़ा धर्मात्मा है अगर वो राजा अपना शरीर बो दे ये भी सिम्बॉलिक है क्योंकि हम आज भी जिन लोगों को जिन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ काम किया उनको इसी सिंबल से याद करते हैं कि बो दिया खुद को अमर वट वृक्ष कि आपने अपने आप को बो दिया और नए सिरे से भारत को जीवन दे दिया विवेकानंद को राम मोहन को ये इसी कहते हैं कि शरीर का बोने का मतलब ये है कि ज़मीन में नहीं बोया बल्कि अपने शरीर को देश के उत्थान के लिए सेक्रीफाइस कर दिया तो वहाँ कहा कथा ये आती है कि उन्होंने कहा कि राजा कुरु अगर अपना शरीर बो दे तो नए सिरे से दुनिया में धर्म की स्थापना हो सकती है तो कुरु के पास आए गुरु ने कहा कि मेरा शरीर हाजिर है मैं दे, देने को तैयार हूँ और उन्होंने यहाँ कुरुक्षेत्र के शरीर शे, में अपना शरीर त्याग दिया और जब त्याग दिया तो उनसे पूछा मरते समय कि तुमने अपना सारा जीवन धर्म के उत्थान में लगा दिया नए सिरे से धर्म की स्थापना कर दी तो तुम्हारे नाम से हम इस भूमि का नाम रखेंगे सारे देवताओं ने जब उनको कहा उन्होंने कहा मैंने तो अपना नाम अपना अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया लेकिन उनका नहीं इस भूमि का नाम तुम्हारे नाम से कुरुक्षेत्र होगा तो उसने कहा ठीक है पहले इसका नाम जो था ब्रह्मावर्त था बाद में इसका नाम कुरुक्षेत्र कर दिया गया तो कुरुक्षेत्र जब ये नाम हो गया तो विष्णु जो थे खड़े हुए थे विष्णु ने कहा कि भाई साहब जिस आदमी ने अपना सारा शरीर बोया है धर्म के लिए तो उस भूमि का नाम तो धर्म क्षेत्र होना चाहिए क्योंकि उसने धर्म के लिए सेक्रीफाइस किया है अपने पर्सनल नाम के लिए नहीं किया तो इस भूमि का नाम धर्म क्षेत्र कर दिया गया दुनिया के अंदर जितने भी पावन तीर्थ हैं कहीं धर्म क्षेत्र का शब्द नहीं मिलता धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र क्योंकि यहाँ धर्म का के लिए राजा कुरुक्षेत्र ने अपना शरीर दिया था तो कृष्ण ने कहा कि जहाँ धर्म का बीज बोया गया था वहीं अगर युद्ध होगा तो वो धर्म और अधर्म का निर्णय वहीं हो सकता है वहाँ जो लोग धर्म के लिए लड़ रहे हैं उनकी विजय होगी जो लोग धर्म के लिए नहीं लड़ रहे हैं उनकी पराजय होगी तो इसलिए हमें उस भूमि में चलना चाहिए जिस भूमि में धर्म का बीज बोया गया है तो कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए यहाँ आ गए कुरुक्षेत्र के अंदर बड़ा भयंकर यहाँ युद्ध हुआ अट्ठारह अक्षौणी कई करोड़ की सेना इकट्ठी हुई एक, एक तरफ पांडवों के पास सेना थी एक तरफ कौरवों के पास सेना थी अठारह अक्षौणी सेना यहाँ पर इकट्ठी हुई कुरुक्ष और उस कुरुक्षेत्र की भूमि के अंदर बड़ा भयंकर अट्ठारह दिन तक यहाँ युद्ध चला इस अट्ठारह दिन के युद्ध में जो सबसे बड़ा मक्खन निकला जैसे हम दूध को बिलोने में मक्खन निकालते हैं तो इस सारे मंथन में दुनिया का सबसे बड़ा दर्शन संसार की सबसे बड़ी फिलोसफी जिससे ऊंची फिलोसफी अब तक कोई पैदा नहीं हुई वो गीता की फिलोसफी यहाँ पैदा हुई कुरुक्षेत्र ने दुनिया को गीता का ज्ञान दिया और गीता एक ऐसी फलोसफी है जिसका संसार के अनमैच्ड फलॉसफी मानी जाती है दुनिया की कोई भाषा ऐसी नहीं है जिसमें गीता का अनुवाद ना हुआ तो ये कुरुक्षेत्र की भूमि वो महाभारत की भूमि कहलाई जहाँ आकर के धर्म और अधर्म का निर्णय हुआ अब इसके बारे में लोग ये कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने जो लड़ाई कराई वो कृष्ण ने सारा गड़बड़ कराई पांडव लोग लड़ने को तैयार नहीं थे पांडव कहते, कहते थे पांच गांव मिल जाए तो ठीक है नहीं मिलेगा तो हम कहीं ना कहीं अपना गुजारा कर लेंगे या फिर से बनों में चले जाएंगे तो कृष्ण के ऊपर आरोप लगाते हैं कि कृष्ण ने लड़ाई करा करके और ये हजारों करोड़ों लोग मरवा दिए लेकिन वो लोग ज्ञान नहीं महा महाभारत में पढ़ते महाभारत के अंदर बहुत स्पष्ट वर्णन है इस बात का महाभारत के अंदर वर्णन ये आता है कि यदुष्चर ने उनको कहा कृष्ण को कि अगर कि अगर वो मान जाए दुर्योधन तो पांच गांव हमारे दे, दे दे और पांच गांव के बाद हम वापस चले जाएंगे लड़ाई नहीं होगी कृष्ण ने कहा ठीक है कहते जाके संधि कर आओ अर्जुन से पूछा अर्जुन से कहा कि तुम्हारे पास तो गांडीव है बड़ी भयंकर तुम लड़ाई लड़ सकते हो अर्जुन ने कहा चाहे गांडीव हो चाहे कुछ भी हो लेकिन मैं भैया का की पूजा करता हूँ उसे देवता की तरह मानता हूँ अगर भैया कहेगा लड़ाई नहीं होगी तो मेरा गांडीव नहीं उठेगा नीचे रखा रहेगा भीम के पास गए भीम ने भी यही कहा उन्होंने कहा कि मेरी गला बड़ी भयंकर है लेकिन मेरी गदा भी भाई के ऑर्डर के भाई युद्धिस्टर के अधीन है जब वो द्रौपदी के पास गए तो द्रौपदी बड़ी नाराज हो गई द्रौपदी ने कहा कि सभा के अंदर बहु बेटियों का अपमान हुआ है तो कृष्ण कौन सी मर्यादा दुनिया के अंदर तुम रखने जा रहे हो व्हाट वैल्यूज यू आर गोइंग टू गिव टू वर्ल्ड क्या दुनिया के अंदर यही मर्यादा रखोगे कि बहु बेटियों की इज्जत सभा के अंदर लुट रही है तुम शांत तो होकर के पांच गांव लेकर के बैठ जाओ क्या मर्यादा बनेगी दुनिया की तो दुनिया के सामने ऊंचे आदर्श रखो घटिया आदर्श रख करके और उन्होंने द्रौपदी ने पहला शब्द ये कहा कि जो लोग दिल के कायर होते हैं कमज़ोर होते हैं दुर्बल होते हैं वो अपनी दुर्बलता को छुपाने के लिए बड़े बड़े ऊंचे कि हम तो जी बड़े सेक्रीफाइस कर रहे हैं हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो इसलिए आप ये दूसरे को कह दो जा करके कि अगर वो अपनी दुर्बलता को छुपाने के लिए अपने आप को त्यागी दिखाना चाह रहे हैं कि मैं दुनिया का बड़ा त्यागी हूं कि मैं युद्ध के बिना लौट जाऊंगा तो उनसे जाकर के कह दो कि मेरा पिता जो है वो जब युद्ध की भूमि में आया हुआ है तो जब तक अपनी बेटी के अपमान का बदला नहीं लेगा और निर्लज बाप नहीं है मेरा मेरा बाप वो है कि बेटी का अपमान हुआ है तो जब तक दस वो दस हज़ार आदमियों का खून बहा करके और अपनी बेटी का बदला नहीं होगा वापस नहीं जाएगा कहते मेरा भाई जो है दृश्य दुमन वो भैया इसलिए आया है तपस्या करके कि द्रोणाचार्य का सिर काटे बिना घर नहीं लौटूंगा जो गुरु अपने चेलों को सामने बहु बेटियों की इज्जत लुटा रहा है बाजार लुट रहा है और गुरु शांत बैठा है ऐसे गुरु दुनिया के अंदर पाप को पराच्चित करने वाले हैं तो मेरा भाई सिर काटे बिना नहीं जाएगा ताकि दुनिया में ऐसे गुरु पैदा ना हो कि चेलों से बहुओं का बहुबेटियों का अपमान करा रहे हैं और सभा में देख रहे हैं कहते मेरा छोटा भाई जो है वो भी प्रतिज्ञा करके आया है शिखंडी कि ये जो भीषम पितामा है जिसने धर्म का लबादा ओढ़ा हुआ है लेकिन पापियों की रक्षा कर रहा है जब तक इसे नहीं मारेगा घर वापस नहीं जाएगा और मेरे पांच पुत्र जो हैं उनको पता लग गया है कि हमारी माँ का अपमान किसने किया था जिस समय वो टूट करके पड़ेंगे तो दुर्योधन की सेना जो है दिखाई नहीं देगी सब नाश कर देंगे इसलिए अगर धीर्धिष्ठ नहीं लड़ना चाहते तो जाएँ मेरे घर वाले मेरे महके वाले हैं लड़ेंगे और जब तक मेरे अपमान का बदला नहीं लेंगे ले लेंगे इसलिए हम उसको द्रौपदी को कहते हैं कि नारी जाति की सबसे बड़ी सशक्त औरत दुनिया में अगर पैदा हुई है तो द्रौपदी पैदा हुई है एक नारी की पवित्रता पर हाथ डाला जाएगा तो भारत की मर्यादा बन गई है कि उस नारी की पवित्रता का बदला लेने के लिए कितनी सेना का खून बहाया जा सकता है लेकिन नारी का अपमान सहन नहीं करेगा भारत द्रौपदी ने दिखा दिया है कि नारी की अगर इज्जत पर सभा में कोई हाथ डाला जाएगा तो भारत में वही हल होगा जो महाभारत हुई है तो महाभारत का युद्ध नारी के सम्मान की रक्षा का युद्ध है सबसे बड़ा युद्ध और गीता का दर्शन जो है यहीं से पैदा हुआ है तो कुरुक्षेत्र ने दुनिया को दो चीज़ें ऐसी दे दी हैं जो बहुत महान हैं भारत की नारी का अपमान करोगे तो संघार हो सकता है भारत के अंदर अगर दुनिया के अंदर ज्ञान प्राप्त करना है कर्म का ज्ञान प्राप्त करना है कर्मण्यवाधिकार माँ फ्रेश हो सबसे बड़ी बात कृष्ण ने कही कर्म चुनने का अधिकार तुझे है कोई आदमी नो बॉडी कैन इम्पोज ओनी थिंग कोई तेरे ऊपर कोई चीज इम्पोज नहीं कर सकता गीता कहेगी कि ये मेरा काम है कि मैं क्या तय मैं तुम्हारे घोड़ों के लोग क्या करूँगा तो कर्म का अधिकार ये फंडामेंटल राइट है आदमी का मेरा अधिकार है मैंने क्या चुनना है और क्या करना है तो फ्रीडम टू चूज एंड फ्रीडम फ्रीडम टू एक्ट ये दो चीज़ें गीता ने दुनिया को दी है जो दुनिया में कोई नहीं ले सकता फंडामेंटल राइट right भी छीन सकते हैं ह्यूमन राइट भी छीन सकते हैं लेकिन ये डिवाइन राइट right नहीं छीन सकता ये डिवाइन राइट right हमेशा रहेगा और ये गीता का ये जो दर्शन है गीता का ये आदमी को कहेगा कि यू आर फ्री टू चू एक्शन दुनिया के अंदर बिल्कुल डरे बिना अपना भगवान भी रा अर्जुन को कोई नहीं बता सके तुझे ये काम करना है अपनी सलाह देने के बाद उसे कहा कि मैंने तुझे परामर्श दे दिया मैंने तुझे बता दिया अब तू तय करके तूने क्या करना है तो गीता का ये जो राइट है कि राइट टू चूज ये सबसे बड़ा राइट है राइट टू एक्ट ये दुनिया की सबसे बड़ी फलोस फलॉसफी यहाँ से पैदा हुई है अब एक जो आरोप लगाते हैं पाश्चात्य लोग वो ये कहते हैं कि महाभारत युद्ध में गीता के हिंदुस्तान की प्रतिभा सारी खत्म हो गई हिंदुस्तान बिल्कुल बेकार हो गया निकम्मा हो गया लेकिन उनको ठीक ठीक दृश्य पता नहीं है यहाँ की महाभारत का कहीं भी महाभारत में ये वर्णन नहीं है कि देश हमारा बड़ा दुर्बल हो गया इस बात को एक आदमी को यही गरत फहमी हो गई थी कि महाभारत के अंदर सारे लोग मर गए हैं अब तो मैं जाकर के और जो पांडव हैं उनको पराजित कर दूंगा कोई वीर रहा ही नहीं वो था तक्षक वो तक्षक जो था तक्षला के अंदर रहता था और वो तक्षला से बदला लेने के लिए अपने पूर्वजों का वो तक्षला से चला और इसी भ्रांति में चला जब वो यहाँ आया कुरुक्षेत्र के पास तो यहाँ उसे एक ब्राह्मण मिल गया उस ब्राह्मण ने कहा कि तक्षक तुम कहाँ जा रहे हो उसने कहा अब तो सारे वीर लोग मारे गए हिंदुस्तान में कोई वीर रहा नहीं अब मैं जा के बदला लूँगा और पांडवों का जो राजा बैठा है गद्दी पर उसको नाश करके पांडवों का वंश नाश करूँगा वो पंडित कहने लगा कि नहीं तुम पांडवों को नहीं मार सकते कहने क्यों कहते उनके पास ऐसी विद्या है जिस विद्या के द्वारा इतने लोगों का संहार करने के बाद भी जीवित हैं और वो विद्या मुझे आती है तो उसने तक्षक ने कहा कि तुम इतना रुपया लो और एक काम करो उसने कहा के विद्वान आदमी पीछ नहीं मोड़ा करते तुम अब हस्तनापुर की तरफ मत जाओ और उसकी परीक्षित की रक्षा करने के लिए तुम्हारा मुंह पश्चिम की तरफ है पश्चिम की तरफ चले जाओ इससे एक बहुत बड़ी पतन की अवस्था में पता लगती है कि भारत का पतन इसलिए हुआ कि भारत के अपने लोगों ने विदेशियों से पैसा रिश्वत ले लेकर के और उन्होंने रिश्वत ले ली और विदेशी आकर के हमला करने लगे हमारे ऊपर ये पतन की स्थिति भी भारत में महाभारत के काल में ही जहाँ उत्थान किया ही वहाँ पतन भी आया कि वो उससे पैसे लेकर के पश्चिम की तरफ चला गया और तक्षक वहाँ पहुँच गया उसने जाके परीक्षित का को मार दिया ख़त्म कर दिया लेकिन परीक्षित के वंशजों ने यह कर दिया कि नाग वंश को दुनिया से मिटा करके छोड़ेंगे इसलिए उन्होंने यहाँ आकर के यज्ञ किया और नागों का नाश करना शुरू कर दिया नागवंश एक एक जो भी नागवंश पांच नागवंश थे उसमें सबसे तकड़ा वंश तक्षक का था उसके बाद बासुक का था इन्होंने कहा सब नागवंश हिंदुस्तान के अंदर नहीं रहेगा और यहाँ मारना शुरू कर दिया और ये दिखाया कि भारत की शक्ति कम नहीं हुई है भारत हमेशा शक्तिशाली रहा है अगर कोई भी विदेशी भारत पर आक्रमण करेगा तो हम उसका ऐसे ही नाश कर देंगे नतीजा क्या हुआ कि नागों का जो देवता था वो आया ब्राह्मण रूप धर के और यज्ञ यज्ञ यग कराने लगा तो पंडित कहने लगे बड़े शुद्ध मंत्र बोल रहा है इसकी तुझे क्या दक्षिणा चाहिए तो कहने लगा मुझे एक दक्षिणा ये दे दो कि मेरे जो नंसाल के लोग हैं नाग लोग इनको मत मारो ये आर्य धर्म स्वीकार कर लेंगे ये सब आर्य बन जाएंगे अब हम अपनी नाग लांग रोग हैं अपनी कन्याएँ आर्यों के साथ विवाह करेंगे और भारत का गौरव इन्होंने बना दिया तो भारत का गौरव हमेशा ऊंचा रहा है महाभारत के बाद भी अगर वो नाग लोग तैयार ना होते तो भारत विदेशियों का नाश कर देता उस समय भी सब विदेशियों ने भारत का आर्य धर्म स्वीकार किया अब ये महाभारत काल जो है ये बड़ा गौरव का काल बन गया उसके बाद और उसके बाद क्या हुआ कि हजारों साल तक किसी आदमी की कि इस देश पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं पड़ी महाभारत के काल को हम पाँच हज़ार साल पुराना मानते हैं गीता पाँच हज़ार साल पर और बाहर का आक्रमण कब हुआ 360 बीसी में तो यह मतलब चार हज़ार साल तक तीन हज़ार साल तक किसी की हिम्मत नहीं पड़ी भारत पर हमला करने की सिकंदर को जब पता लगा सिकंदर के गुरु ने बताया कि भारत में बड़े बड़े ज्ञानी हैं वहाँ से ज्ञान भी लेकर के आओ और वहाँ के लोगों ने कहा कि भारत के अंदर सोना बहुत है भारत के अंदर से बिजनेस करने के लिए जो तीन आ, जो लोग जाते थे यूनान वाले उनसे तीन चीज़ें लेते थे सिल्क लेते थे शुगर लेते थे और घी लेते थे ये तीन चीज़ें हमारे यहाँ से मिलती थी हिंदुस्तान से क्योंकि यहाँ इतना दूध होता था कि उसका घी बेचने के लिए हमें यूरोप ले जाना पड़ता था शुगर हमारे यहां ही होती थी उनके यहाँ की डेढ़ शुगर महंगी भी पड़ती थी और बहुत कम पैदा होती थी शुगर क्योंकि खजूर से शुगर बनाना बड़ा मुश्किल है हमारे यहाँ गन्ना बहुत होता था और रेशम तो वो जानते ही नहीं थे तो ये सारी वहाँ से धन जाता था वो धन सारा हिंदुस्तान में आ जाता था तो वहाँ के लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान में इतना धन है कि तुम ले आओ सारा यूरोप जो है मारा माल हो जाएगा तो सिकंदर के दो ही उद्देश्य थे एक उद्देश्य तो ये था कि भारत के जो ज्ञानी लोग हैं उनसे यूनान कुछ सीख ले ऐसे कुछ ज्ञानियों का अपहरण करके उनको उठा करके यहाँ से ले जाए और भारत में जो धन पड़ा हुआ है इस धन को लेकर के लूट के ले जाए अब यूरोप के लोगों ने कहा कि सिकंदर जो आया तो उसने पोरस को पराजित कर दिया और पोरस ने कहा कि देखो ऐसा करो कि एक राजा जैसा दूसरों के राजा के साथ व्यवहार करता है तुम गया। अब दुनिया को जीतने के लिए और दुनिया को लूटने के लिए जो आदमी चला था वो इतनी छोटी सी बात पे कैसे हिंदुस्तान को छोड़ देता ये बिल्कुल गलत बात है सिकंदर कभी नहीं जीता सिकंदर को यहाँ इतनी बुरी तरह से हार माननी पड़ी कि लौट के, के यूनान तक नहीं पहुँच सका क्योंकि यहाँ जैसे ही वो यहाँ से चला पोरस के सामने से तो जय योधे नाम के यहाँ आपको सिक्के मिलेंगे यहाँ के जो लोग थे सारे हरियाणा के आसपास के ये योधे वंश जो था ये बड़े भयंकर लड़ाका थे इन्होंने सिकंदर को घेर लिया और जो कुछ सिकंदर के पास माल मसाला था सिकंदर को इतना घायल कर दिया कि वो यूनान तक तो क्या ईरान में ही मर गया आज तक पता नहीं उसकी कब्र कहाँ है दुनिया को जीतने का जो सपना लेकर चला था उसका नाश करने वाले भारत में योद्धे लोग थे उन्होंने दुनिया के विजेता को बिल्कुल नाश कर दिया और दुनिया उसे लौट के नहीं जाने दिया ये योद्धे लोग जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के साथ ही थे चंद्रगुप्त मौर्या ने तुरंत हमला किया और सिकंदर का जो सिकंदर जिसको यू अफग़ानिस्तान तक जीत के आ गया था अफगानिस्तान का सूबेदार बना के छोड़ दिया था चाणक्य ने कहा कि देखो अगर थोड़ा सा भी बीज कायम रह जाए तो फिर उससे जहर पैदा हो सकता है इसलिए इस सेल्यूकस को सिकंदर का जो आदमी है इसको यहाँ से भगाओ यूनानी एक भी यहाँ रहना नहीं चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य ने हमला किया अफगानिस्तान पे सल्यूकस को अपनी जान बचाने के लिए दो काम करने पड़े काबुल का और कंधार का दो सूबे तो दहेज में देने पड़े और अपनी लड़की को उससे विवाह करना पड़ा और वो यहां से भाग गया विदेशियों का नाश करने वाले लोग जो थे यहां पैदा हुए उन्होंने कहा हुन लोग जो हैं ये बहुत ही असभ्य हैं सिवाय लूट मार के इनका कोई काम नहीं और निर्दयी हैं तो इसलिए मैं तुम्हारी सेना को छोड़ करके के जा रहा हूँ और मैं जा कर के यहाँ पश्चिम के की रक्षा करने के लिए वहाँ जा कर अपना थानेसर में जा कर के कहते तो ये हैं कथा तो ये है कि उन्होंने आकर के भगवान शंकर की तपस्या की और भगवान ने भगवान शंकर ने ज्वारा करालम अति उग्रम एक बड़ा भयंकर त्रिशूल दिया जिसमें से बड़ी भयंकर ज्वाराएँ निकल रही थी और उन्होंने कहा हर्षवर्धन के भाई को जयवर्धन को कि ज्वाला ये त्रिशूल लेकर के जाओ हूं जो है तुम्हारा सामना नहीं कर सकेंगे जहाँ तक तुम उनका पीछा करोगे वो उसका नाश करता चला जाएगा लेकिन वो एक सिंबॉलिक है यहाँ भगवान शंकर का मंदिर जो है इसमें उन्होंने पूजा की विजय की कामना के लिए और यहाँ अपनी राजधानी स्थापित कर ली और स्थापित करके उन्होंने शक्ति संग्रह करके यहाँ के लोग बड़े वीर थे लड़ाका थे जो आजकल जाट और गुजर के नाम से जाने जाते इनको सारों को तैयार करके का नाश कराने के लिए तैयार किया लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ कि हर्षवर्धन की जो बहन थी इसके बहनोई को किसी ने कत्ल कर दिया इसको पता लगा मेरी बहन जो है वो सती होने जा रही है ये वहाँ चला गया और जा करके इसने कन्नौज को जीत करके वहाँ का जिसने इसके बहनोई को मारा था अपना कैपिटल वहाँ शिफ्ट कर दिया और कन्नौज में बैठ करके इतना इन्होंने बड़ा साम्राज्य बनाया हर्षवर्धन ने के कुरुक्षेत्र से लेकर के वेस्ट बंगाल तक इंपीरियल कनौज इतना प्र, उसका वर्णन इतिहास में आता है बाहर के लोगों ने भी और इस देश के लोगों ने भी वर्णन किया कि इतना विशाल साम्राज्य बना इतना समृद्ध बना वहाँ इतनी समृद्धि थी कोई गरीब आदमी दिखाई नहीं देता था विद्वानों का एक जमघट्टा उसने इकट्ठा किया था तो विद्वानों की दृष्टि से भी बाहर से जो लोग आए हर्षवर्धन के ज़माने में विदेशी सैयाह जो आए उन्होंने बड़ा विस्तार से वर्णन किया है ऐसी ऐसी किताबें जो हैं उनको विस्तार से वर्णन लिखा है कि ये तो गोल्डन पीरियड था हर्षवर्धन के ज़माने का वहाँ किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि देश पर हमला कर तो हर्षवर्धन ने बड़ा भारी साम्राज्य स्थापित किया सब दृष्टि से यानी आर्थिक दृष्टि से भी पॉलिटिकल दृष्टि से भी एक साम्राज्य हर्षवर्धन ने कन्नौज से लेकर यहाँ से थानेसर से ले लेकर के और वेस्ट बंगाल तक स्थापित करके यहाँ का गौरव बढ़ा दिया कुरुक्षेत्र का लेकिन वो हूण जो थे बराबर हमला करते रहे इसके वंश में हर्षवर्धन के वंश में गद्दी पर जो बैठे यशो वर्मा जो आए थे उन्होंने यशो वर्मा ने वही प्रतिज्ञा करके कि हु का नाश करके ही दम लूंगा तो हूण देता है यशो वर्मा उनका नाम आज तक ये आता है कि उन्होंने हुनों का ईरान तक नाश किया आज हुन जाति का कहीं नामो निशान ही नहीं मिलता सिवाय इतिहास के पन्नों के और कहीं भी पता नहीं लगता कि हु नाम के कौन लोग थे जो हु ऐसे थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति स्वीकार कर ली वो तो भारत में बस गए बाकी सब का नाश कर दिया तो हर्षवर्धन ने इतना बड़ा इम्पीरियल कन्नौज बड़ा भारी एम्पायर बनाई साम्राज्य बनाया और हर दृष्टि से वहाँ उस उसके ज़माने में फैयान आए उस ज़माने में जो सबसे बड़ी चीज़ लिखी है वो तो भट्ट ने लिखी है बाण भट्ट ने जो हरष चरित्र लिखा है उसमें इतना गौरव भारत का वर्णन किया है कि जिसको वर्णन करने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए कि कितना धन था कितना संपन्नता से, कितना साम्राज्य था तो हर्षवर्धन की बड़ी जबरदस्त राजधानी कुरुक्षेत्र रही उसने क्या काम किया कुरुक्षेत्र में जिस देवता की पूजा की थी स्थानेश्वर देवता की उसके नाम पर इस शहर का नाम क्योंकि कुरुक्षेत्र तो सारा क्षेत्र था इस शहर का नाम अपने भगवान के नाम पर स्थानेश्वर रख दिया इस स्थानेश्वर से बिगड़ते बिगड़ते अब ये थानेसर हो गया ये थानेसर हर्षवर्धन का दिया हुआ नाम है यहाँ हर्षवर्धन के किले के अभी खंडर मौजूद हैं तो वो एक बड़ा भारी साम्राज्य स्थापित करने के बाद हर्षवर्धन का और दुनिया में नाम हो गया इतना बड़ा साम्राज्य बनाना बनाया था हर्षवर्धन ने उस साम्राज्य के बाद जब इसका पतन हुआ तो ये हमारे लिए बड़े दुख की बात है पश्चिम की ओर से आक्रमण आरंभ हुए क्योंकि मुस्लिम विस्तारवाद जो था ये दुनिया को एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हुआ तमाम दुनिया को पलंडर करके लूट करके तलवार के जरिए से अपना मत फैलाने का काम ले करके और कुछ लोग अरब से चले उनको रोकने वाला कोई नहीं था इतने शक्तिशाली थे वो भयंकर उनके पास एक चीज़ थी और वो क्या चीज़ थी शारीरिक पावर बहुत थी दूसरा वहाँ यूनिटी उन्होंने बहुत ज़्यादा पैदा की थी सब दुनिया को जीतते हुए चले आए वो लेकिन जब हिंदुस्तान में आए तो यहाँ उन्होंने ये देखा कि यहाँ के लोग तो बड़े भयंकर लड़ाई में बड़े तेज़ हैं तो पहला आक्रमण उन्होंने सिंध पर किया सिंध का राजा दाहर जो था बड़ी उसने लड़ाई बड़े भयंकर तरीके से मुसलमानों को उन जो हमलावर थे उनको पराजित किया वो भाग गए मोहम्मद बिन कासिम ऐसी हालत में गया यहाँ से कि उसने कहा कि इस क़िले को तोड़ना बड़ा मुश्किल है तो फिर ये हुआ कि भारत के अंदर वहाँ लोगों के अंदर सबसे बड़ा ये था कि सारा आप जब देखेंगे भौगोलिक दृष्टि से तो अरब से लेकर के और यहाँ तक ना तो कोई बड़ी दरिया है ना कोई बड़ी ऐसी भूमि उपजाऊ है जिसके अंदर खूब पैदावार हो ये क्या चीज़ है केवल जो काफले जाते थे उन काफलों को लूट करके लूट मार करके अपना जीवन या पशुओं को मार करके इस तरह का काम सारा करके और ये सब काम करते थे मार काट करने वाले लोग तो उनको ये पता था कि भारत बड़ा संपन्न है भारत के अंदर एक एक चीज़ इतनी ज़्यादा है भारत के अंदर कि लोग जो हैं पता नहीं कितना धन इकट्ठा किया हुआ है भारत के लोगों ने तो उन्हें था कि किसी तरह से भारत को लूटना है एक ही उद्देश्य उनका था कि भारत को लूट करके हमने और लूट करके लाना है तो इसके लिए जो खैबर का रास्ता था उन्होंने कहा इस रास्ते से घुसो वो खैबर के तरीके अब इतिहास में एक कहा जाता है कि जो गजनवी था महमूद गजनवी उसने सोमनाथ का मंदिर तोड़ दिया बड़ी दौलत थी सोमनाथ में और वो हाथियों पर लाद करके ले गया था लेकिन विस्तार से जब देखेंगे सोलह बार उसने आक्रमण किया था सबसे पहला आक्रमण उसने कुरुक्षेत्र में किया उसे बताया लोगों ने कि कुरुक्षेत्र में जो स्थानेश्वर मंदिर है शिव का मंदिर वहाँ हर्षवर्धन के ज़माने की इतनी दौलत जमा है कि वहाँ सोना ही सोना हर चीज़ में लगा हुआ है तो सबसे पहले जो इतिहास में मिलेगा आपको प्रमाण वो मिलेगा कि पहले उसने पलेंडर किया थानेसर को और मन सोना एक ही मंदिर से उसको मिला मन सोना लूट करके ले गया अब इस इस विजयी होने का जो कारण है उस कारण के बारे में हमारे लोगों ने कुछ भी लिखा होगा कि भी कैसे मुसलमान जीत गए हो क्यों लेकिन इसके बारे में भी इंडिया क्वेश्चन नाम का एक पूरा चैप्टर लिखा है मार्क्स ने कार्ल मार्क्स उसने हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन भी लिखी है उसने हिस्टोरिकल मटीरियल नाम की किताब बहुत ज़बरदस्त लिखी है दुनिया में सभ्यता कैसे फैली और उसमें उसने ये लिखा है सबसे पहले कि मुसलमानों के पास कोई ऊंची सभ्यता नहीं थी मुसलमानों के पास कोई ऊंची कल्चर नहीं थी मुसलमानों के पास कोई ऊंचे जीवन आदर्श भी नहीं थे मुसलमानों के पास सबसे बड़ी क्या चीज़ थी कि देवर वेल ऑर्गनाइज और वो अरब के जो लोग लो, लो थे जो प्रोफेशनली लुटेरे रहे वो फिजिकली बड़े स्ट्रांग थे मेंटली चाहे कुछ नहीं हो लेकिन फिजिकली बहुत स्ट्रांग थे उनकी यूनिटी इतनी ज़बरदस्त थी एज वो कहता है इंडिया में क्या था कि इंडिया में इतनी यूनिटी नहीं थी इंडिया में कुरुक्षेत्र लुटता रहा दूसरे राजा कुरुक्षेत्र की रक्षा करने नहीं आए तो इंडिया के अंदर जो पराजय हुई वो इसलिए इस 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 हुई कि यहाँ लैक ऑफ यूनिटी थी और वो लोग जो थे बड़े यूनाइटेड थे कोई हायर कल्चर लेकर नहीं आए थे इंडिया में तो कुरुक्षेत्र को लूटा सबसे पहले कुरुक्षेत्र लूटा उसके बाद कई बार लूटते रहे यहाँ यहाँ ये यह जो भूमि जो है ये रक्त रंजित भूमि भूमि कहलाती है यहाँ भूमि इसलिए कहलाती है कि जो भी हमलावर पश्चिम की तरफ से आया पहले इन्होंने लाहौर से लेकर के और करनाल तक यहाँ इतनी लड़ाइयाँ हुई इन्होंने एक एक आदमी को हजारों आदमी उनके मरे हजारों इनके मरे लेकिन उनको आगे नहीं बढ़ने दिया पर वही बात थी कि उनके अंदर यूनिटी बहुत ज़्यादा थी एक बार अल्लाह का नाम लेते थे अल्लाह अकबर सारे इकट्ठे हो जाते थे कि अल्लाह के नाम पर हम इकट्ठे हो जाएं। और दूसरा ये था कि उनके हजरत उमर ने अपनी जो हदीस लिखी है हदीस का मतलब जो अपनी लॉ बुक लिखी है उस लॉ बुक के अंदर उन्होंने लिख दिया कि जो लूट मार का सामान लौट कर ले कर के आएंगे उसमें से आधा माल तो खलीफा का होगा यानी राज को देना पड़ेगा और आधे माल को उनमें आपस में बांट लेंगे वो तो उन्हें था कि जो कुछ हम लूटेंगे हमें मिलेगा सारा का सारा तो प्लंडरिंग बहुत ज़्यादा करते थे अगर हम सौ सो किलो सोना लूट के ले जाएंगे तो पचास किलो हम राज को देंगे और पचास किलो पे हमारा हिस्सा होगा तो ये लूट मार की वृत्ति भी हुआ लॉ बुक में लिखी हुई है धर्म इसको धर्म का हिस्सा माना गया कि ये जो दौलत है ये भी धर्म धर्म के नाम पर आप लूट सकते हैं सारे के सारे तो इस चीज़ का उसने लिखा कि इस कारण से लोग हमारे भारत भारत के अंदर लूट मार करते रहे अब आपको एक चिट्ठी ऐसी मिलेगी जो कुरुक्षेत्र के मैं करनाल में सेटल्ड हो गया था एक पठान का वहाँ से आया था और करनाल के अंदर बैठ गया था आकर के और उसने नादिर शाह को एक चिट्ठी लिखी कि अगर आप कुरुक्षेत्र के मंदिरों को तोड़ करके और उनको लूट लें तो आपको इतना सोना मिल जाएगा कि आपको दिल्ली तक सेना का खर्चा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो नाजिर शाह ने आकर के सबसे पहले यहाँ नरका तारी और ये जो ज्योतिसर का मंदिर है या मंदिर से बड़े बड़े इन मंदिरों को लूटा उसके खंडर आज भी पड़े हुए हैं और वाकई उसको इतना सोना मिल गया कि दिल्ली तक सारा खर्चा उस सोने से निकले आया तो इस इलाके के अंदर युद्ध बहुत हुए लोगों ने आगे बढ़ने भी नहीं दिया लोगों को और तरायण में तो पृथ्वीराज ने दो बार उनको ऐसी बुरी हालत ये हालत कर दी कि जान बचा के जाना मुश्किल हो गया लेकिन तीसरी बार वही हुआ कि भारत में गद्दारी करने वाले आदमी थे उससे जाके मिल गए फूट का कारण भारत के कि पराजय का कारण बड़ा नहीं तो भारत के वीर जो थे उनको ऐसे ही नाश कर देते जैसे हुड़ों का और शकों का नाश किया तो जयचंद ने उसको चिट्ठी लिखी कि एक बार तुम अगर यहाँ हिंदुस्तान में आ जाओ और किसी ना किसी तरह से पृथ्वीराज नाश कर दो तो मैं तुम्हें हिंदुस्तान का राजा बना दूंगा और तुम मुझे हिंदुस्तान के आगे का जो उत्तर प्रदेश और बिहार है वहाँ का मुझे अपना सेनापति बना देना तो तीसरी बार अगर हारे पृथ्वीराज करायण में तो इसलिए हारे कि एक आदमी ने देश के आदमी ने गद्दारी कर दी नहीं तो वो यहाँ से वापस तो इस क्षेत्र में सारी तलवारें खड़कती रहीं हमेशा यहाँ के लोग कभी चैन से नहीं बैठे तो ये सारे परंडर जो थे लूटमार मचाने वाले इन्होंने देश को विध्वंस करके लूटना शुरू किया उसमें कुरुक्षेत्र के पास कुरुक्षेत्र ही नहीं कुरुक्षेत्र से गए तरावड़ी और करनाल ये हिस्सा बड़ा बहुत लूटा क्योंकि यहाँ बड़ी संपन्नता थी यहाँ बड़ा धन था बहुत माल था इसलिए ये लोग जितना माल था उतना ज्यादा लूटे भी खूब और उस लूटमार करने के बाद इन्होंने यहाँ पर अपना केंद्र बना लिया ये जो मुगलपुरा है जो ब्रह्म सरोवर है इसके इसका नाम पहले उन्होंने रख दिया मुगलपुरा और मुगलपुरे में इन्होंने क्या काम किया कि जो भी यहाँ तीर्थ में आएगा क्योंकि तीर्थ की बड़ी महिमा है सारे भारतवर्ष में और ये कर दिया कि इस तीर्थ के कारण से सारे लोग लाखों आते हैं तो इस तीर्थ पर कर दिया कि एक चांदी का सिक्का दोगे तो एक लोटा पानी आपको मिलेगा तो लोग आते थे पवित्रता के कारण से और उन्हें सारा खदाना इससे भर जाता था भाई एक लोटा जल दे दो और कुछ नहीं हो सारा काम ये मुगलों का चलता रहा लूटते रहे लोगों को लेकिन बहुत दिनों के बाद जब दिल्ली को फतेह किया पेशवा ने तो उसने कहा हमने दिल्ली जीत ली है शिवाजी के वंशज हैं हम इसलिए चलो कुरुक्षेत्र को भी मुगलों से स्वतंत्र कराना चलते हैं तो पहले उन्होंने कहा कि राव को भेजो ये पहले वहाँ देख के आए मुग़लों की ताकत का अंदाज़ा लगा के आए कितनी ताक़त है तो जब हम दिल्ली तक आ गए हैं तो कुरुक्षेत्र पर तो भी आक्रमण करेंगे तो भाऊराव को भेजा ये समाना भाऊ जो है कुरुक्षेत्र का ये किस्सा है यहाँ भाऊ यहाँ करके बैठे समाना का मतलब डेरा यहाँ भाऊराव का डेरा लगा भाऊ राव के यहाँ आए और उन्होंने नहाने के लिए पहले कहा अस्सी आदमी उनके साथ आए थे उन्होंने कहा हमें नहाने के लिए जल भेज दो और वो पैसा उन्होंने भेज दिया इन्हें लग गया कि भाऊराव के पास बहुत पैसा है दिल्ली से आया है और इतना धन इसने भेज दिया है तो इन्होंने क्या काम किया कि उस सा, सारा सिक्के तो रख लिए और उसके बाद जो घड़ा भेजा था उसने उस घड़े के अंदर घोड़ों का पेशाब भर करके और उन्होंने कहा कि तुम्हारे तालाब से ज़्यादा पवित्र पाक जो है वो हमारे घोड़ों का पेशाब है स्नान कर लो तो भाऊराव ने को बड़ा अपमान महसूस हुआ राव ने कहा अपने साथियों को कि जब हमने दिल्ली जीत ली तो कुरुक्षेत्र चलो दिल्ली चलते हैं वहाँ सेना ले के और सेना ले के आते हैं रात को देवी के मंदिर में बैठ करके उन्होंने देवी की आराधना की अब पौराणिक कथा तो यह है कि देवी प्रकट हुई रात को और देवी ने उनको कहा कि तुम दिल्ली जाने की कोई आवश्यकता नहीं है तुम जितने घोड़े बना करके मिट्टी के यहाँ चढ़ाओगे मैं उन घोड़ों में जान डाल दूंगी और वो घोड़े जो हैं वो सुबह युद्ध करेंगे और इनकी पराजय होगी मुग़लों की लेकिन ये कहानी जो एक कहानी है इसका ऐतिहासिक जो पक्ष है वो ये है कि यहाँ जब वो बैठे तो यहाँ के लोगों ने कहा कि आपने यहाँ के लोग जो हैं बड़े निस्तेज हुए पड़े हैं यहाँ युद्ध भूमि रही है यहाँ रोड़ों ने जाटों ने गुजरों ने हमेशा टक्कर ली है लेकिन अब वो निस्तेज हो गए हैं हार गए हैं लड़ते लड़ते आप उन लोगों को कहो कि हमने दिल्ली जीत ली है हमारा मराठों ने और अगर एक बार उनको बता दिया तो उनकी वो उनकी तलवारें जो हैं वो दोबारा निकली आएंगी तो रात रात में अस्सी आदमी जो थे मराठे वो एक एक गांव में गए और जो देवी की बात थी उसको ये कहते हैं कि जो मिट्टी बने हुए बैठे थे, थे जो जिनके अंदर लेकिन वीरता उनके अंदर बहुत थी जा करके उनका तेज जगाया अरे तुम तो बड़े लड़ाकू रहे हो तुमने तो यहाँ मुग़लों का और बाहर के हमलावरों का बड़ा मुकाबला किया है हज़ारों लोग तुम्हारे मरे हैं अब हमने जब दिल्ली जीत ली है मराठों ने तो हम दिल्ली कक्स खड़े हो जाओ तुम तो वो जो थे जो देवी ने कहा था कि मिट्टी के घोड़े बनाओगे उनमें भी जान डाल दूंगी तो यहाँ के लोग जो मिट्टी के रूप में पड़े हो गए थे जो निस्तेज हो गए थे डिमोरलाइज पड़े हुए थे वो जैसे ही उन्होंने सुना कि दिल्ली जीत लिए मराठों ने वो सारी तलवारें निकली आई उनकी और सुबह ही यहाँ दस हज़ार सेना खड़ी हो गई और उस दस हजार सेना ने क्या काम किया कि मार काट मचानी शुरू किए जो सरहंद का सूबेदार था वो अपनी जान बचा करके किसी तरह भागा भागी मुगलों की सारी सेना मुसलमानों की काट दी एक भी आदमी नहीं बचा और सारा स्वतंत्र करा लिया कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र दोबारा स्वतंत्र हो गए और अपना साम्राज्य बन गया जो मुगल प्रायका नाम परसोत्तम बाग रख दिया गया और सब मुगलों तो कुरुक्षेत्र की स्वतंत्र सत्ता फिर से कायम हो गई मुगलों ने आकर के हाँ जितने मंदिर तोड़े थे महारानी होलकर जो थी और मुगल खड़े हुए सबसे पहले उन्होंने थानेश्वर मंदिर जो था जिसमें सबसे ज्यादा दौलत थी इस मंदिर का जीर्ण उद्धार कराया इस समय जो थानेश्वर मंदिर है वो वो मंदिर है जो खंडर मंदिर था और मुगलों और मराठा ने आकर इसको मुगलों से स्वतंत्र कराया था मुसलमानों से आज बड़ा शानदार मंदिर बना हुआ है भद्रकाली मंदिर जो था जहाँ चांदी के सारी मूर्तियाँ चांदी की थी और मुसलमान लूट के ले गए थे जिस मंदिर में से ये घोड़ों में जान डाली थी देवी ने वो उस मंदिर को विशाल मंदिर बना दिया उन्होंने तो कुरुक्षेत्र स्वतंत्र हो गया दोबारा और स्वतंत्र होकर अपने गौरव के साथ दोबारा खड़ा हो गया क्योंकि कुरुक्षेत्र को जीत करके मुगलों के पंजे से छुड़ा करके इन्होंने फिर से एक पवित्र तीर्थ बना दिया कुरुक्षेत्र की शान आ गई तो कुरुक्षेत्र की जो पतन था वो पतन फिर से गौरव में बदल गया कुरुक्षेत्र के और अब तो कुरुक्षेत्र का गौरव इतना बढ़ता जा रहा है कुरुक्षेत्र को अगर नई जान दी है तो गुदारी लाल नंदा जी ने दी है जब नंदा जी आए तो उन्होंने पता लगा कि वैदिक काल से जिस तीर्थ की इतनी महिमा है कि कृष्ण भी अपने घर वालों को इस तालाब में स्नान कराने के लिए लाए और वो सारे परिवार को लोग यहाँ मिले और वृंदावन में जिस राधा को छोड़ के आए थे अस्सी साल के बाद वो राधा भी यहीं मिली तो इस तालाब की इतनी महिमा है और ये तालाब जो है बिल्कुल एक कीचड़ का बहुत बड़ा तो उन्होंने सारा जीवन इस तालाब पर लगा दिया नंदा जी और कुरुक्षेत्र की हालत जो थी यही कर, कर कह दी उन्होंने कि कुरुक्षेत्र अब लूटा पिटा नहीं रहेगा इसको जितना लूट लिया लूट लिया लोगों ने यहाँ तीन चीज़ें नंदा जी ने उनका एक काम तो ये है कि मैं जहाँ भारत के अंदर गया हूँ तीर्थ देखे, है, देखे हैं वह मैंने देखेंगे तीर्थों में गंदगी के बड़े ढेर हैं मैं इस तीर्थ को एक ऐसा तीर्थ बनाऊँगा कि जहाँ गंदगी नहीं होगी फिर उन्होंने कहा तीर्थों में जो पंडे बैठे हैं अज्ञान बहुत है तीर्थों में मैं इस तीर्थ को ऐसा बनाऊंगा जहां अज्ञान नहीं होगा ज्ञान होगा और इसी तरह उन्होंने कहा कुरुक्षेत्र के अंदर जहाँ तीर्थ हैं वहाँ भुखमरी बहुत है गरीबी बहुत है इसको ऐसा बना दूंगा संपन्न के यहाँ गरीबी नहीं रहेगी तो ऐसा ही हो गया कुरुक्षेत्र में जहाँ पाँच पाँच रुपये दो दो रुपये के लिए लोग तरसते से थे हमारे मकानों में किराएदार आकर रह जाए क्योंकि सिवाय सूर्य ग्रहण के और लोग आते ही नहीं थे कुरुक्षेत्र आज वहाँ एक एक कमरा जो है दो रुपए वाला कमरा दो दो हज़ार में एक एक हज़ार में बैठ रहा है और सारे में समर्तक है तो नंदा जी का जो स्वप्न था बाईस साल में नंदा जी ने यह कर दिया कि आज वो तालाब जो कुरुक्षेत्र का पला तालाब है वो भारत का जो पर्यटन विभाग है उसके हिसाब से कुरुक्षेत्र के हिसाब से नहीं भारत का जो पर्यटन डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म है उसके हिसाब से ये है कि एशिया में इससे सुंदर तालाब आज कोई नहीं है बाईस साल की इस मेहनत के बाद ये मोस्ट ब्यूटीफुल टैंक ऑफ एशिया बन गया नंदिया का और इतन, इसके कारण से क्या हुआ कि चारों तरफ इतनी सम्भत आ गई कि चारों तरफ दुकानें दुकानें जह, जहाँ कोई एक दुकान भी दिखाई नहीं दे देती आज इतने बड़े बड़े संपन्न मार्केट चारों तरफ बन गए हैं सड़कें बन गई हैं सारी बढ़िया बढ़िया और जितना आसपास का इलाका था सब संपन्नता आ गई वहाँ के अंदर नंदा जी ने यहाँ बहुत कुछ फिर उसके बाद दिया एक मेडिकल कॉलेज नंदा जी की देन है रेडियो स्टेशन बना दिया कुरुक्षेत्र की यूनिवर्सिटी जो थी वो रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी उसको बड़ा ज्ञान का केंद्र बनवा दिया नंदा जी ने तो बहुत कुछ करके कुरुक्षेत्र को नंदा जी का जो ज्ञान था कि यहाँ अज्ञान नहीं रहने दूंगा यहाँ गंदगी नहीं रहने दूंगा और यहाँ अब जो आप देखेंगे आप खुद ही जा देखें कि यहाँ भीख मांगने वाले जो हैं वो दक्षिण के या बंगाल के लोग मिलेंगे हरियाणा का कोई एक भी भिकमंगा भी नहीं मिलेगा तो ये जो तीनों सपने थे नंदा जी के कि कुरुक्षेत्र को उसी गौरव पर ले जाऊँगा जो इम्पीरियल कन्नौज हर्षवर्धन के ज़माने में था जिसके बारे में फाइयान विदेशी सैया बाण भट्ट लिख रहे हैं कि दुनिया का इम्पीरियल साम्राज्य का एक भी आदमी हर्षवर्धन के ज़माने में अज्ञानी और गरीब नहीं था ऐसी हालत कुरुक्षेत्र की कर दूंगा और ये सपना आज उनका पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है कुरुक्षेत्र की संपन्नता में लगा हुआ है सारा भारतवर्ष कि कुरुक्षेत्र को उसी गौरव पर है और ज्ञान का केंद्र भी इसको ऐसा ही बनाया है जैसा कि विश्वामित्र और वशिष्ठ जी की जमाने में था जैसे मनु ने यहाँ से घोषणा की थी कि स्वयं स्वयं चरित्र विश्व विश्व के जितने भी आदमी हैं अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेने यहाँ आए अगर कोई बढ़िया इंजीनियर बनना चाहता है ही शुड कम हियर बढ़िया बिजनेस ना चाहता है यहाँ आ जाए तो यहाँ के केंद्र उसी तरह बने दुनिया के अंदर कि इसका गौरव हो ही जाए तो आज कुरुक्षेत्र तो उसी गौरव को प्राप्त करने के लिए लगा हुआ है और अगर ऐसे ही गौरव ये तरक्की करता रहा तो कुछ ही दिनों में कुरुक्षेत्र से वही अपनी सम्बन्धता प्राप्त कर लेगा जो हर्षवर्धन के ज़माने में थी